बाजार में लगभग 140 रुपए का बिकने वाला कंडेंस्ड मिल्क या मिल्कमेड घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है और वो भी बहुत ही सस्ते तरीके से। 40 रुपए से भी कम में बनने वाला ये मिल्कमेड सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाएगा और वो भी बहुत सरल तरीके से। ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंडियन मिठाइयाँ, केक्स, कुकीज, हलवा एंड वॉट नॉट, इवन आइसक्रीम्स या कुल्फी बनाने में भी ये काम आता है। तो चलिए इस इजी रेसिपी को बनाना घर पे शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा लीटर फुल फैट कच्चा भैंस का दूध, यानी कि रॉ बफेलो मिल्क। ये पहले से बॉइल्ड नहीं है, इसको अब मैं गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ गर्म होने के लिए। मेक श्योर कि इसे बनाने के लिए आप एक चौड़ी कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, वरना इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अगर आप चौड़ी एक कढ़ाई यूज़ करेंगे तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही दूध में पहला उबाला आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे लगभग 200 ग्राम चीनी। ये ग्रैन्यूलेटेड चीनी ही है, मैंने इसे पीस के नहीं लिया है, और लगभग अगर आप इसे कप में नापेंगे तो अराउंड 1 कप के करीब है ये। अब इस दूध को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, तब तक जब तक ये आधे से भी ज़्यादा रिड्यूस ना हो जाए। इसमें 20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, टू बी एग्जैक्ट 15-18 मिनट्स के अंदर अंदर ही ये बन के रेडी हो जाएगा। कुछ चीज़ों का इसे बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये है कि इसको बनाने के लिए आप फुल फैट रॉ बफेलो मिल्क ही इस्तेमाल करें। वैसे तो आप कोई भी दूध यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर बेस्ट मार्केट लाइक रिजल्ट्स फुल फैट बफेलो मिल्क लेना ज़रूरी है, और वो भी कच्चा, यानी कि वो मिल्क जो कि पहले से उबला हुआ ना हो। ऐसा करने से आपको फुल क्रीमिनेस मिलती है इस कंडेंस्ड मिल्क में, और वही सेम टेक्सचर मिलता है जो कि बाजार वाले मिल्कमेड में होता है। दूसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पहला उबाला आने के बाद ही आप इसमें चीनी डालेंगे, तभी आपको वो एग्जैक्ट कलर और टेक्सचर मिलेगा जो कि बाजार वाले कंडेंस्ड मिल्क में होता है। कुछ 10 मिनट इसे पका लेने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर तो चेंज होने लग गया है, पर ये अभी भी बहुत ज़्यादा पतला है और इसमें बहुत सारी झाग उठने लगी है। नेक्स्ट आपकी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसे फुल फ्लेम पे ही पकाना है। आप चाहें तो फ्लेम को हल्का सा धीरे कर सकते हैं, लेकिन एकदम मीडियम या मीडियम लो पे इसे नहीं पकाएंगे, आप इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको इसको लगातार चलाते हुए साइड्स को स्क्रेप आउट करते हुए लगातार मिक्स करना है, तभी ये नीचे लगेगा नहीं कढ़ाई के और अच्छे से बनेगा। अभी भी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पतला है और बिल्कुल करछी पे चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल पानी जैसे नीचे गिरा जा रहा है। अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है और साइड्स को भी स्क्रेप आउट करते रहना है। तब तक पकाएंगे इसे जब तक ये थिक ना हो जाए, आधे से ज़्यादा रिड्यूस ना हो जाए, और उस पॉइंट पे ये करछी पे कोट भी होने लग जाएगा, एकदम पानी जैसे नीचे गिरेगा नहीं। एग्जैक्टली 18 मिनट्स इसे पका लेने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अब ये करछी पे कोट भी हो रहा है, और अगर आप इस तरीके से उंगली चला के देखेंगे करछी पे, तो ये अपनी शेप को होल्ड कर रहा है, पानी जैसा बह नहीं रहा है। इस पॉइंट पे मैं गैस को कर दूंगी बंद, क्योंकि अगर मैंने इसे फर्दर कुक किया तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ठंडा होने पे। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें डालूंगी सिर्फ चुटकी भर सोडा, इससे ज़्यादा नहीं। गैस इस समय बंद है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई अभी भी गर्म है, तो गर्म कढ़ाई में इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाए और अपना टेक्सचर गेन कर ले, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर। हो सकता है इस पॉइंट पे आपको लगे कि ये अभी भी बहुत पतला है और बाजार जैसा थिक नहीं है, बट इस पॉइंट पे आप टेम्प्ट होके इसे फर्दर कुक मत कीजिएगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट पे जब ये करछी को कोट होने लग जाए आप फर्दर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये अच्छे से पूरे तरीके से ठंडा हो चुका होगा ना, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ, ये बाजार जैसी इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, ये परफेक्टली थिक है, इससे ज़्यादा थिकनेस इसकी हमें नहीं चाहिए। आपका बाजार जैसा मिल्क मेड या कंडेंस्ड मिल्क इज रेडी नाउ। इसे आप एयर टाइट कांच की शीशी में भर के रखिए फ्रिज के अंदर, ये 15-20 दिन तक भी फ्रिज में खराब नहीं होगा।
अब आप कोई रेसिपी मिस मत कीजिएगा सिंपली बिकॉज वो कंडेंस्ड मिल्क से बनी है और कंडेंस्ड मिल्क बाजार का काफ़ी महंगा होता है। इसे घर पे बनाइए आसानी से, सरल तरीके से, इन नो टाइम एंड इन अ वेरी इनएक्सपेंसिव वे। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ एंड आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट रेसिपी सून। बाय बाय, टेक केयर।